और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात महाराष्ट्र 2024 की। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। चुनाव अभियान को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक आज, तो बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का हो सकता है ऐलान। जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। तो आप बता दें कि एक के बाद एक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब चुनाव अभियान को लेकर भी बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव है और इसी को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। तो बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी बीजेपी कर सकती है। तो जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, लोकसभा चुनाव से जुड़ी यह बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है, दूसरी तरफ चुनाव अभियान को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का मेगा कैंपेन शुरू होने वाला है और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में कल से ही इसका आगाज होने वाला है और इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी करने वाले हैं, क्योंकि देखा जाए तो कल मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ तीन जगहों पर सीएम प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और चूंकि अगले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चूंकि पहले चरण का नामांकन शुरू हो चुका है, पश्चिम से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम से चुनाव की शुरुआत होगी। हालांकि जो आज की बैठक है उस बैठक में पूरे देश में जो बीजेपी का चुनावी अभियान होगा वो कैसा रहने वाला है, उसकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से उसको धार देने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। देखिए जहां तक सवाल आज की बैठक का है तो उस बैठक में जो यूपी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के जो सदस्य होंगे, जो मुखिया होंगे, वो भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यूपी के लिहाज से यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बीजेपी के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है, जो कि यूपी में बीजेपी सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। और अगर यूपी में होने वाली रैलियों की बात करें तो चूंकि चुनाव प्रबंधन समिति ने यह तय किया है कि अगले दो महीनों के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा बड़ी रैलियां होंगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होंगी, सीएम योगी की होंगी, जेपी नड्डा, अमित शाह और जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं वो उन रैलियों में शामिल होंगे। अकेले अगर पीएम मोदी की रैलियों की बात करें तो तकरीबन 35 से 40 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम की कोशिश यह होगी कि सभी लोकसभा सीटों को कवर किया जाए और साथ ही में जो तमाम नेता हैं, दोनों डिप्टी सीएम हो गए उत्तर प्रदेश के और जो दूसरे राज्यों के जो बड़े नेता, जो कद्दावर नेता हैं, जो अलग अलग समीकरण के हिसाब से जिनको चुनावी रैलियों में लगाया जाएगा, उनकी भी रैलियां निर्धारित होनी है। तो उस चीज को लेकर माना जा रहा है कि आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की बैठक में जो एक पूरा रोडमैप है, जो पूरा खाका है रैलियों का और चुनावी अभियान का, वो खाका तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल, किस तरह से चुनावी अभियान को सफल बनाया जाना है इसको लेकर तो स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी बची सीट है जिन पर अभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उस लिहाज से भी आज की बैठक काफी अहम है। अविनाश। बिल्कुल, देखिए बीते रविवार को 13 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें से 9 मौजूदा सांसदों का बीजेपी ने टिकट काट दिया था, लेकिन अभी भी कई सीटें बची हुई है, खासतौर पर वो सीटें जिस पर सबकी नजर है। रायबरेली की बात कर लें, बलिया, गाजीपुर या फिर ब्रिजभूषण, शरण सिंह की सीट, कैसरगंज सीट।